हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आ गए फ्रेंड्स एक और नई वीडियो के साथ। चलिए एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में भाई हम चलेंगे हाटा से कुशीनगर और इस रास्ते के शानदार नज़ारे आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, शेयर कमेंट करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें कि मैं आगे और तगड़ी शानदार नज़ारे वाली वीडियोज और लेके आता रहूँ और ऐसे ज़बरदस्त नज़ारे आपको दिखाता रहूँ। अपना सपोर्ट बनाए रखे फ्रेंड्स। तो भाई हम निकल चुके हैं हाटा से कुशीनगर की तरफ, साए साए एकदम स्पीड में बढ़ चुके हैं। और देखिए भाई ये रास्ते के शानदार नज़ारे, क्या गजब का लग रहा है भाई। इधर मौसम अभी तो भाई रास्ते में थोड़ा मौसम बदल रहा था, एक अद्भुत बारिश भी हुई लेकिन अभी बंद है, लेकिन शानदार भाई नज़ारे हैं ये। जैसा जैसी चालू हुई थी लेकिन बंद हो चुकी है। और ये गाड़ी देखिए साइड में लगाए पड़े हैं भाई साहब। और हाटा से हम लोग निकल चुके हैं एकदम शानदार स्पीड में भैया, एकदम ऑटो ऑटो लगा हुआ है साइड में, चाय पानी की सारी व्यवस्था है, आप लोग यहाँ कर सकते हैं। और आगे की तरफ हम बढ़ चुके हैं भाई शानदार स्पीड में, और गजब के नज़ारे भाई दिख रहे हैं इस समय। आसमान तो भाई अलग ही रंग भाई फैलाया हुआ है इस समय, बहुत ही तगड़ा लग रहा है भाई ये बादल, जबरदस्त नज़ारा एकदम भाई लग रहा है इसका। और भैया ये तो निकल चुके हैं भैया, एकदम दावे पड़े हैं, एकदम सामान वामान बांध के निकल चुके हैं, 4 लेन पे दाव लिए हैं एकदम स्पीड में भैया। ये ट्रक का तो एकदम मायाजाली लग रहा है भैया, बहुत ट्रक खड़ी है भाई इस साइड, दबा के एक साइड पूरा ट्रक ही ट्रक खड़ी है। और देखिए चौराहा टाइप है यहाँ, पूरा लोग भैया क्रॉस कर रहे हैं और हम लोग भी धीरे से भाई सबको बच्चे बचाते आगे निकल चुके हैं। और ये शानदार नज़ारे भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं नज़ारे और अद्भुत होते जा रहे हैं, और भी जबरदस्त होते जा रहे हैं, गजब के ये नज़ारे होते जा रहे हैं भाई साहब। और देखिए भैया थोड़ा यही है कि धूप बहुत तेज थी, दबा के धूप थी, जबरदस्त वाली धूप, और इस गर्मी में हम लोग खतरनाक नज़ारे एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हवा थी थोड़ी बहुत, गाड़ी चलते समय तो भैया हवा तो लगेगी ही, लेकिन रुकने के बाद भाई जो जबरदस्त गर्मी हो रही थी, बहुत ही जबरदस्त, इसलिए भाई गाड़ी पे चलना ही मजेदार था, मजा आ रहा था। और आगे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं देखिए मौसम और नज़ारे शानदार होते जा रहे हैं भाई साहब, हम हरियाली तगड़ी बढ़ती जा रही है, तगड़ी भाई हरियाली, जबरदस्त हरियाली। और ये मौसम भाई एकदम मिजाज ही बनाया हुआ है, एकदम खतरनाक लग रहा है मौसम। और ये बादल भैया क्या जबरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त शानदार भाई। और ये ब्रिज व्रिज लगाया गया है भैया पार करने के लिए, रोड लग रहा है ज्यादा ही एक्सीडेंट हो रहा था क्या भाई साहब, पूरा एकदम व्यवस्था दी गई है लोगों को, हम लोग इस व्यवस्था का पूरा फायदा उठा रहे हैं, पूरा मजा ले रहे हैं भाई साहब। और ये देखिए इधर भी एक पेट्रोल पंप है ही, रास्ते में पेट्रोल पंप की कोई कमी नहीं है, आपको हर 2-4-5 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा। और ऐसे ट्रक तो भैया रास्ते भर मिलेंगे, मिलेंगे ही, क्योंकि 4 लेन में भाई ट्रक ज्यादा ही दौड़ते हैं। ये देखिए ये पूरा टैंक का ट्रक एकदम दावे पड़े भाई साहब स्कूटी से, एकदम हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये शानदार नज़ारे और हरियाली भाई जबरदस्त बढ़ती जा रही है, बहुत ही जबरदस्त हरियाली दिख रही है भाई, खतरनाक एकदम लुक आ रहा है भाई, इसका नज़ारे तो भाई एकदम शानदार है इसके। और ट्रक वाले भैया एकदम आपसे रेस लगाए पड़े हैं, ले लो जबरदस्त रेस लगाए भाई, मजेदार रेस है ये। एक कार वाले भैया तो साए साए निकाल रहे हैं, कट पे कट मार रहे हैं, लगा रखे हैं भैया गाड़ी पे एल और चला रहे हैं एकदम बेंदाज, एकदम बेंदाज चलाते हुए भाई साहब, लर्निंग में है लेकिन एकदम हार्ड चलाने की कोशिश, हैवी ड्राइवर लग रहे हैं ये, बहुत ही खतरनाक, ये कट मार रहे हैं, डेंजरस कट है इनका। देखिए एकदम दावे पड़े हैं भाई साहब, देख रहे हैं हम गदर स्पीडिंग की बना के दावे पड़े हैं भैया, अभी तो हमको भी दाब देंगे, ऐसी इनकी स्पीड है कैसे कैसे बचा जाएगा हम लोग। और एक खतरनाक एकदम ड्राइवर है भाई साहब, हैवी ड्राइवर, बहुत ही फरार ड्राइवर है ये। और ये दाब चुके हैं और साए साए निकल चुके हैं हम लोग को, ऐसा दावे भैया लगा के गिरे जाएंगे हम लोग। देखिए 9-2-11 कैसे हो रहे हैं,
भागे पड़ रहे हैं, एकदम निकल रहे हैं, बुइया बुइया भाग रहे हैं। देख स्पीड देखिए इनकी, ये तूफान की तरह गायब हो गए, क्योंकि भैया हम लोग को ठोकने वाले थे, साइड होके कैसे कैसे हम लोग बचे हैं। इनकी रफ्तार देखिए रॉकेट की तरह गायब हुए हैं ये, भैया रॉकेट बन गए हैं तो एकदम रफ्तार में निकल चुके हैं। गाड़ी हम लोग साइड में लगानी पड़ी, फिर अब हम लोग भाई आगे निकल चुके हैं। वो भैया भाग रहे हैं एकदम साए साए, साइड हम लोग अगर गाड़ी नहीं करते तो उड़ा चुके थे ये, पूरा दाबे पड़े थे, एक दो लोग को लपेटे में तो ले ही लेते ही। देखिए एकदम आंखों से ओझल हो चुके हैं ये, रफ्तार ऐसा दाबे हैं कि एकदम फरार हो जाएंगे ये। देख रहे भाई साहब, तो ऐसे लोग पूरा 4 लेन मिलेंगे आपको, कहीं उड़ा के भाग जाएंगे। एक तो गाड़ी चलाने आ नहीं रहा है इनको, चोमू सब ये गाड़ी इनसे चल नहीं रहा है। और देखिए भैया एकदम बेंदाजी में चलाएंगे, नए ड्राइवर हैं, इनका रफ्तार देखिए गोली की तरह उड़ा रहे हैं, हम लोग को भी उड़ा ही देते ये भाई साहब। और ये काफी एज थे, नहीं तो इनको इसी 4 लेन पे भैया थोड़ा मजाक तो चखा ही देते हम लोग, लेकिन काफी इनकी उम्र ज्यादा थी और ऐसे बदतमीजों की तरह ड्राइव कर रहे थे, तो भाई इनको छोड़ दिया गया। चलिए किसी न किसी दिन किसी के हत्थे चढ़ ही जाएंगे, और भैया पब्लिक उड़ा ही देंगे तो कोई पब्लिक इनको कूट भी देगी बरियारे, हालत इनकी सेट हो जाएगी। देखिए अभी यहाँ इनकी हालत खराब हो चुकी थी, गाड़ी में यहाँ रोका फिर कहा छोड़ो, मैं इनको देखा ये काफी एज है तो मैं इनको छोड़ दिया जाइए, तो भाई बहस तो इनसे हो ही रहती। देखिए भाग रहे हैं साए साए, रफ्तार में फरार हो गया एकदम। देख रहे भैया स्पीड देखिए उनकी, जबरदस्त स्पीड में लेके गाड़ी फरार होते हुए। चलिए अब हम तो भाई फालतू के इनसे झगड़ा नहीं किए, तो ये है आदमी क्या मतलब, इनसे लर्निंग वाले आदमी है, चलिए जाइए चलाए, लेकिन ऐसे ही चलाएंगे तो किसी ना किसी दिन ये पिटाएंगे जरूर, इनको पीट पाट के किनारे कर देंगे लोग, क्योंकि भाई तो कचार के सीधे भाग जाएगा, ऐसा आदमी है, हिट एंड रन वाला वो आदमी है, बहुत ही बदतमीज ड्राइवर था वो, बस उम्र ज्यादा होने की वजह से इनको छोड़ दिया गया, नहीं तो यहीं सूता गया रहा था इनको बरियारे 4 लेन पे ही, क्योंकि भैया ही तो एकदम ऐसा उड़ाए रहते कि 4 लेन पे हम लोग बिछा ही दिए रहते भाई साहब, लेकिन उनको फायदा मिल गया, नहीं तो लौंडे लफाड़ी रहते तो यहीं पूरा 4 लेन कुचाए रहते बरियारे, हालत उनकी सेट कर दी जाती। तो बदतमीजों की जैसा गाड़ी चलाएंगे एक आध लोगों को लपेट देंगे ये लोग, क्योंकि भाई जितने रफ्तार में दाबे थे आदमी गिरता तो सीधे ऊपर ही जाता, ऐसी इनकी रश ड्राइविंग थी कि बैलेंस करने में भाई हमारे पसीने छूट गए थे। बगल में भी गाड़ी इधर भी गाड़ी एकदम भैया दाबे पड़े थे, एक तो हम लोग कम स्पीड में, ये एकदम बेंदाज ड्राइवर था और फरार हो चुका है वो। चलिए छोड़िए उसकी बात, ऐसे बदतमीज और पिटाने वाले ड्राइवर आपको बहुत मिलेंगे इस 4 लेन पे, बहुत लोग उड़ा के निकल लेते हैं सब, इनसे आप सावधान रहिए, बच के चलिए, क्योंकि ऐसे चोमू ड्राइवर्स आपको मिलते रहेंगे, इनसे आप लड़ झगड़ के अपना टाइम वेस्ट करेंगे, इससे बढ़िया भैया निकलिए आगे और आगे के नज़ारे एंजॉय करिए। ये जबरदस्त शानदार हरियाली के नज़ारे, बहुत ही शानदार नज़ारे हैं भाई, अब उनको भूल जाया जाए, क्योंकि भाई मूड तो उन्होंने उस समय बहुत खराब किया था, लेकिन फिर हम लोग छोड़े, चलिए आगे चलते हैं, नज़ारे एंजॉय करते हैं। और इस जबरदस्त नज़ारे भाई रास्ते पर आपको मिलेंगे और ऐसे रश ड्राइवर भी मिलेंगे, इसलिए भैया इस रोड पे अगर आप आइए तो थोड़ा आराम से ही चलिए, और एकदम किनारे किनारे चलिए, किनारे भी उड़ा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी से चलिए, इनका कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, ये भैया लोग कब आएंगे कब आपको लपेटे में ले लेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए रास्ते के शानदार नज़ारे एंजॉय करिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए भाई साहब, क्योंकि खतरनाक नज़ारे आने वाले हैं आगे। और आपने अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़बरदस्त अपना सपोर्ट दिखाएं, एकदम भैया दबा के सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट बनाए रखें कि मैं ऐसे नज़ारे लेके आता रहूँ। और भाई अभी तक आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आगे शानदार नज़ारे आपको मिलने वाले हैं और बहुत ही जबरदस्त नजारे हैं भाई, ये खतरनाक नजारे हैं भाई साहब। और देखिए ओवरटेक पे ओवरटेक चल रहा है,
हमारे ट्रक वाले भाई साहब एकदम बेंदात चला रहे हैं, बस वाले तो और खतरनाक। ये प्राइवेट बस वाले हैं, ये तो बहुत बेंदात चलाते हैं लोग, खतरनाक स्पीड में। और देखिए भाई साहब ये शानदार नजारे, हरियाली के जबरदस्त नजारे हैं भाई, ये बहुत ही खतरनाक नजारे हैं। अब मौसम थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, देखिए क्या गजब की हरियाली है भाई, क्या शानदार हरियाली है, वाह मजा आ गया भाई। जबरदस्त एकदम हरियाली है, इस पे चलने में ही मजा आ रहा है, क्या क्या जाए आखिरकार। हम लोग थोड़ी बहुत लग रहा है बारिश की बूंदे हम लोग को स्टार्ट हो गई है, बारिश होने लगी है। हम लोग भैया साइड में लगा रहे हैं गाड़ी की, बारिश आ गई है, लड़के लोग खड़े हैं, हम लोग भैया खड़े हैं। बारिश इधर आ रही था, पेड़ के नीचे कितना बचेगा आदमी, कहे चलो यार धीरे धीरे निकलते ही हैं आगे की तरफ। देखिए इधर भैया बारिश एकदम दबा के आ रही है, हम लोग धीरे धीरे पेड़ की छांव से निकल रहे हैं। एक भैया यहाँ बच कहाँ पाएंगे तेज बारिश आएगी, तो आगे की तरफ हम लोग निकल रहे हैं। बारिश थोड़ी तेज है, पैंट वैंट भैया भीगने लगा हम लोग का, लेकिन बस यही है कहानी भाई कि बस थोड़ा सा आगे बढ़िए और बारिश वारिश सब खत्म। आगे तो ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई ही नहीं है। ये देखिए एक आध बूंद इधर बस गिरी है और इधर एकदम बंद हो चुकी है भाई, इधर तो बारिश ही नहीं है। वही भैया बीच में आधा किलोमीटर बारिश है टोटल, इधर बारिश ही रही है। ठीक है हम लोग आगे निकल गए, हम लोग फंसे रहे बारिश में और बच गए, नहीं तो हम लोग का काफी टाइम वेस्ट होता वहां खड़े होके, और भींग भी गए रहते हम लोग। हम लोग आगे एक तरफ बढ़ रहे हैं और ये देखिए शानदार होटल्स भाई यहाँ बने हुए हैं। तो आप कुशीनगर आइए तो आपको भैया होटल की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से स्टे करिए, जबरदस्त पूरा घुमाई करिए कुशीनगर का भैया, एकदम दबा के एंजॉय करिए, मजा लीजिए जीवन का। शानदार भाई ये मौसम है और शानदार ये नजारे हैं अपने कुशीनगर नगर के नजारे तो भाई बहुत ही खतरनाक है। और इन खतरनाक नजारों को एंजॉय करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ ही चुके हैं, लगभग हम लोग कुशीनगर पहुंचने ही वाले हैं, एक आध किलोमीटर बचा हुआ है। और भैया ट्राली ट्रैक्टर तो मिलते रहेंगे रास्ते पर, ये देखिए मिट्टी पूरा लोड करके दाबे हुए भाई साहब, बोई बोई बजा रहा है गाना, चो चो का गाना बज रहा है। हम लोग आगे की तरफ साय साय बढ़ चुके हैं और ये देखिए भैया एकदम खतरनाक बादल दिख रहा है, क्योंकि कुशीनगर भैया पहुंचने वाले हैं तो मौसम तो भैया शानदार बनेगा ही बनेगा, तो बहुत ही शानदार मौसम बन रहा है और जबरदस्त नजारों के साथ हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए कुशीनगर का गेट जब यहाँ भाई खुला नहीं है, पहले खुला हुआ करता था, अब ये बंद है, तो हम लोग को थोड़ा आगे से घूम के आना पड़ेगा। थोड़ा नहीं भाई, कम से कम हमको लग रहा है 1 किलोमीटर आगे है, वहां से फिर भाई खुला है 4 लेन, वहां से घूम को हमको उस साइड होना पड़ेगा, वहां से घूमना पड़ेगा हमको। देखिए अब यहाँ से घूम के हम लोग अब भैया घूमेंगे और उस साइड 4 लेन छोड़ना पड़ेगा और इधर अंदर वाली रोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि भाई फिर उधर खुला नहीं है, इस रोड को आपको पकड़ना पड़ेगा। आप उस रोड को पकड़ने गलती ना करिएगा, फिर आपको वापिस आना पड़ेगा घूम के। इससे बढ़िया आप इसी रोड से निकलिए जो साइड रोड है, और इस साइड रोड से ही हम कुशीनगर की तरफ बढ़ेंगे आगे और शानदार नजारे, जबरदस्त ये नजारे कैप्चर करेंगे, बहुत ही शानदार भाई नजारे। हम लोग धीरे धीरे बढ़ चुके हैं कुशीनगर गेट की तरफ और आगे एक शानदार नजारे आपको भाई नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे हम कुशीनगर के अंदर के जबरदस्त नजारे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, तो आप मेरे मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।